हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक परमिशंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग कौन कौन सी परमिशंस यूज करते हैं किसी भी फाइल या डायरेक्ट्री के लिए। रूट यूजर जब क्रिएट होता है सॉरी रूट यूजर जब कोई भी डायरेक्ट्री क्रिएट करता है तो उस पर बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन अप्लाई होती है, रूट यूजर के द्वारा क्रिएट की गई फाइल पर क्या परमिशन अप्लाई होती है बाय डिफॉल्ट, या कोई भी नॉर्मल यूजर जो है कोई भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो उस पर बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन अप्लाई होती है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। जरा देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं ls space hyphen l करता हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक मलिक नाम की डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है और मलिक डायरेक्टरी पर ओनर यूजर को जो है वो रीड राइट और एग्जीक्यूट फुल परमिशन है। ओनर ग्रुप को केवल रीड और एग्जीक्यूट परमिशन है और अदर यूजर को भी रीड और एग्जीक्यूट परमिशन है। क्लियर है दोस्तों? अब मैं ऐसा करता हूं कि मेरे पास एक प्रीत नाम से यूजर है, तो मैं प्रीत यूजर को लॉगिन करता हूं किसी भी अनदर टर्मिनल से। देखिए जरा, मैंने यहां पर प्रीत यूजर को लॉगिन किया और cd स्पेस रूट पार्टीशन में चलता हूं जहां पर वो मलिक नाम की डायरेक्टरी क्रिएट की गई है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अब मैं cd स्पेस अगर दोस्तों मलिक करता हूं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। अगर अदर यूजर को मलिक डायरेक्टरी पर एग्जीक्यूट की परमिशन है तो ही ये यूजर करंट लॉगिन यूजर इसके अंदर जा सकता है। एंटर की प्रेस कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, प्रीत यूजर को यानी कि अदर यूजर को मलिक पर एग्जीक्यूट की परमिशन थी तभी ये यूजर मलिक डायरेक्टरी के अंदर गया। एक बार देखिए जरा, यहां पर भी ध्यान से, एग्जीक्यूट परमिशन है तो वो उसके अंदर चला गया, ठीक है। अब रीड ऑन रीड परमिशन, मैं इस सिंटेक्स को अदर यूजर के लिए परमिशन यहां पर आपको शो कर रहा हूं प्रॉपर रीड आउट करके, ठीक है। अब अगर यहां पर ls कमांड भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो समझ लेना अदर यूजर को रीड ओनली परमिशन भी है। तो यहां पर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मलिक डायरेक्टरी पर अदर यूजर को या प्रीत यूजर को जो है वो एग्जीक्यूट की परमिशन भी है और रीड ओनली परमिशन भी है, यानी कि रीड और एग्जीक्यूट परमिशन है। लेकिन दोस्तों, अगर प्रीत यूजर मलिक डायरेक्टरी के अंदर आकर कोई नया डेटा क्रिएट करना चाहे तो वो तभी कर सकता है अगर प्रीत यूजर को या अदर यूजर को मलिक डायरेक्टरी पर राइट की परमिशन है। तो मैं क्या करता हूं, टच कमांड के द्वारा मलिक डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं राज के नाम से, ये देखिए दोस्तों, अदर यूजर को मलिक डायरेक्टरी पर राइट परमिशन नहीं है। क्लियर है? चाहे तो आप यहां पर भी देख सकते हो, मलिक डायरेक्टरी पर अदर यूजर को राइट परमिशन नहीं है। रीड है तब वो ls कमांड एग्जीक्यूट हो गई, एग्जीक्यूट है cd कमांड एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन टच या mkdir कमांड रन नहीं होगी क्योंकि उसको राइट परमिशन नहीं है। क्लियर है? अब दोस्तों, अगर आप किसी भी फाइल या डायरेक्टरी के डिफॉल्ट परमिशन को चेंज करना चाहते हो, दोस्तों चेंज करने के लिए वापस फाइल पर चलते हैं, एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहां पर अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की डिफॉल्ट परमिशन को चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास में दो मेथड होते हैं, सिंबॉलिक मेथड और न्यूमेरिक मेथड। न्यूमेरिक में वही हम लोग नंबर्स यूज करते हैं 4, 2, 1, एंड सिंबॉलिक में वही हम लोग अल्फाबेट यूज करते हैं रीड राइट एग्जीक्यूट के लिए RWX। क्लियर है?
अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू चेंज डिफॉल्ट परमिशन फॉर फाइल और डायरेक्टरी इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन को सिंबॉलिक मेथड से चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग ये तीन अल्फाबेट्स और भी यूज करते हैं। वो किस लिए होता है दोस्तों? किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन को 9 डिजिट में डिवाइड किया गया है। पहली 3 डिजिट जो है वो ओनर यूजर के लिए होती है। यू जो होता है, यू रिप्रेजेंट करता है ओनर यूजर को, ठीक है? और जी जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को, और ओ जो है वो रिप्रेजेंट करता है अदर यूजर को, ठीक है? यू जी ओ यानी कि ओनर यूजर, ओनर ग्रुप एंड अदर यूजर, जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर आप परमिशन चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सी एच मोड कमांड। सी एच मोड कमांड जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की डिफॉल्ट परमिशन को चेंज करने के लिए यूज की जाती है। तो कैसे हम लोग इसे एग्जीक्यूट करते हैं वो देखिए जरा। सी एच मोड स्पेस यू, ओनर यूजर को आप क्या परमिशन देना चाहते हैं, देन वो यू इज इक्वल टू वो आप परमिशन जो है वो डिसाइड कीजिएगा, कोमा दीजिएगा। ओनर ग्रुप को आप क्या परमिशन देना चाहते हैं, कोमा। अदर यूजर को आप क्या परमिशन देना चाहते हैं, देन स्पेस दे के फाइल और डायरेक्टरी में ये आप यूज करेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब यही चीज मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकली दिखाता हूं। अब अगर हम लोग यहां पर देखें दोस्तों, मलिक डायरेक्टरी पर अदर यूजर को रीड और एग्जीक्यूट परमिशन है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं कि मैं ये आर परमिशन हटाता हूं, यानी कि अदर यूजर को मैं केवल एग्जीक्यूट की परमिशन ही रखना चाहता हूं, आर की परमिशन यानी कि रीड ओनली परमिशन भी हटाना चाहता हूं। तो उसके लिए सी एच मोड स्पेस, अब ओनर यूजर यू इज इक्वल टू आर डब्ल्यू एक्स, उसके लिए एज इट इज रखना चाहता हूं, कोमा जी, ओनर ग्रुप के लिए क्या परमिशन, रीड और एग्जीक्यूट एज इट इज रखना चाहता हूं, कोमा, देन ओ इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ओ यानी कि अदर यूजर को आप मैं केवल एग्जीक्यूट रखना चाहता हूं, स्पेस फाइल और डायरेक्टरी नेम टाइप करके जस्ट आप एंटर की प्रेस कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, यहां पर कमांड जो है हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब अगर हम लोग दोबारा से ls स्पेस हाइफन l करते हैं, ध्यान से देखिए, अदर यूजर को जो परमिशन है वो रीड और एग्जीक्यूट परमिशन है। अब दोबारा से अगर मैं यहां पर ls स्पेस हाइफन l करता हूं, अब देखिए दोस्तों, यहां पर मलिक डायरेक्टरी पर अदर यूजर को केवल एग्जीक्यूट परमिशन हो गई है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, एक बार जरा मैं बाहर चलता हूं मलिक से, दोबारा से cd स्पेस मलिक में आया, देखो मैं यहां पर एक बार प्रीत यूजर से लॉगिन हुआ वापस, और मैं एक बार मलिक से बाहर गया, मलिक फाइल डायरेक्टरी से cd रूट के अंदर गया, देन वापस मैं आया cd कमांड के द्वारा मलिक डायरेक्टरी के अंदर आ गया आराम से, ठीक है? यानी कि एग्जीक्यूट परमिशन है। अब अगर मैं यहां पर ls कमांड करता हूं, देखिए दोस्तों, अब मुझे रीड परमिशन भी नहीं है, ठीक है? एग्जीक्यूट परमिशन है लेकिन रीड की परमिशन नहीं है। चाहे तो मैं दोबारा से आपको प्रॉपर शो कर सकता हूं। अब प्रीत यूजर जो है वो रूट पार्टीशन में गया, अब cd स्पेस अगर वो मलिक के अंदर जाना चाहे चला गया, यानी कि एग्जीक्यूट परमिशन है लेकिन अगर ls करता है तो उसे कोई भी परमिशन नहीं है, यानी कि राइट परमिशन नहीं है। क्लियर है? अब अगर आप राइट परमिशन भी देना चाहते हैं
तो आप यहां पर आर एक्स कर दीजिएगा, एंटर। क्लियर? देखने के लिए एलएस स्पेस हाइफन एल कीजिएगा दोबारा से, और अब आप देख सकते हैं उसे रीड ओनली परमिशन भी अप्लाई हो गई है। वापस चलते हैं। अब दोबारा से अगर मैं यहां पर एलएस करता हूं, देखो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। क्लियर? अब अगर मैं यहां पर रीड और राइट परमिशन भी देना चाहूं अदर यूजर को, यानी कि अदर यूजर को भी मैं फुल परमिशन देना चाहता हूं, तो रीड राइट एग्जीक्यूट एंटर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज और यहां पर ध्यान से देखिएगा, जैसी आप किसी भी फाइल और डायरेक्टरी पर अदर यूजर को फुल परमिशन दे देते हैं, यानी कि रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन दे देते हैं, तो उस डायरेक्टरी का कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। देख रहे हैं ध्यान से? अब वापस अगर हम लोग वहीं पर जाएं, अब अगर मैं यहां पर टच स्पेस राज नाम से कोई भी फाइल क्रिएट करना चाहूं, ये देखिए दोस्तों सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, और एलएस के द्वारा आप देख भी सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह दोस्तों हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन चेंज कर सकते हैं सिंबॉलिक मेथड के द्वारा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिक मेथड के द्वारा किसी भी डायरेक्टरी और फाइल की परमिशन कैसे चेंज की जा सकती है।